यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ त्रयोदशो अध्यायः। गेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वो आदिर रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वो सत है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति से वो ब्रह्म न सत है न असत है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला, तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वो आसक्ति रहित गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूं, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलय हो जाते हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर रूप भी वही है, सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है, मन इंद्रियों से परे है, तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वो जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण और पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहां बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योग क्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं
हृदि सर्वस्य विष्टितम्। वो ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वो सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है। अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम् चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि जान, ऐसा संपूर्ण विकार तथा त्रिगुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण अर्थात जिसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण है, उनको उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। और ये पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वो भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा। जब प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई उनसे छूटेगा कैसे। इस पर कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं।